बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम जी। आज हमारा मैथ का टॉपिक है, ये थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट बनाया है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। रैंडम मैचिंग करनी है आपने, ठीक है। मैं जो आपसे पूछूंगी आपने उस बात का जवाब देना है, और जिस बच्चे से मैं पूछूंगी सिर्फ वो बोलेगा और अदरवाइज कोई भी पहले नहीं बोलेगा, ओके जी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमने कुछ बलून बनाए हुए हैं और साथ ऊपर काउंटिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। आपने सबसे पहले सबसे फर्स्ट पे है जी 5 बलून्स, आपने काउंट करने हैं। स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। ओके, सबको पता चल गया ये 5 बलून्स है, और आपने हैंड्स अप करके बताना है कि यहाँ पे कुछ फिशेस बनी हुई है जिसके अंदर हमने और अब नंबरिंग लिखी हुई है। नंबरिंग में आपने मुझे बताना है कि 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, किसको पता चल रहा है, किसको समझ आई है। हैंड्स अप करें। ज़ारा स्टैंड अप। ये बेटा 5 कहाँ पे है, ये है 5, ये है, ये वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये मैंने थोड़ा सा ये मैं इसलिए पूछती हूँ कि यहाँ पे पता चले कि आपको कितनी की पहचान है। सिट डाउन, शाबाश। नेक्स्ट है जी स्टार्ट करें। कितने बलून है, जस्ट 1 बलून है, ऐसे ही है। तो आपने मुझे बताना है इन फिशेस में से 1 कहाँ पे है। नीचे वाला, शाबाश। मैं दुआ को उठाने लगी थी, वो खुद ही उठ गई है जी। बेटा हमने इसको इसको मिला दिया है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कितने बलून से काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 3। अब आपने मुझे बताना है कि 3 कहाँ पे है, हैंड अप करना है जी। आए वो ऊपर, ऊपर कहाँ, ये वाला बेटा, वो ये वाला, ओके वेरी गुड जी, 3। ओके जी 3। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे कितने बलून्स बने हुए हैं बच्चे, काउंट करना। 1 2। ओके जी 2 बलून्स है, तो आपने मुझे फाइंड आउट करके बताना है कि यहाँ पे किस फिश में 2 लिखा हुआ है जी। दुआ, ये वाला बेटा, ये, शाबाश, वेरी गुड जी, हमने मिला दिया। ओके जी, पहला स्टेप हमारा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी, कितने बलून से पहले काउंट करें, शाबाश। पहले 1 2 3 4 5 6। ओके जी 6। जैनी जी बेटा 6 कहाँ पे है, किस फिश में लिखा हुआ है। वेरी गुड, 5 के नीचे। बेटा ये होता है पैटर्न बताने का, टीचर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इशारा करने से आपने अपनी जुबान से बताना, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करें काउंट करना। 1 2 3 4 4। आए बेटा 4 कहाँ पे लिखा है, 4 जी, शाबाश। 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। बेटा आपने फिंगर से इशारा नहीं करना, आपने अपने जुबान से बोलना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है जी हमारा, काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो बेटा 9 कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन बताएगा। जैनी स्टैंड अप। बेटा ये हमने 9 काउंट किए हैं ना बलून, तो 9 कहाँ पे, किस फिश पे लिखा है, बताएं जल्दी से। 10 के नीचे, वेरी गुड। ओके सिट डाउन। ओके जी नेक्स्ट है जी तुम्हारा बलून।
लिखा हुआ है जी हमारा टाइम, ऐसा ही है। ओके नेक्स्ट है जी हमारे जी। बेटा समझ आया अब आपको? मैम ने ये भी किया था। अच्छा तो ये किस चीज़ का साइन था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, किस चीज़ के लिए? ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको बुक में या आपकी कॉपी के ऊपर ये वाला पैटर्न बना के दिया जाए तो आप लोग इंडिविजुअली अगर आपसे कहा जाए अकेले अकेले बैठ के करना है तो कर लेंगे? पक्की बात है? ज़ारा थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। क्यों ज़ारा, मुश्किल लग रहा है आपको? बेटा मुश्किल तो नहीं है, टेंथ तक काउंटिंग आप सारे बच्चों को करवाई हुई है, उसी को हमने रैंडमली जो है वो मिक्सअप करके बैलून्स बना के तो हमने कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने उसकी जो है वो मैचिंग की है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, घर पे बेटा डेली आपकी सारे बच्चों की छोटे बच्चों से बात कर रही हूँ, बुक्स के ऊपर ये पैटर्न इस टाइप के बने हुए हैं जो भी हम यहाँ पे वाइट बोर्ड पर करवाते हैं, डेली मामा के पास बैठ के ना इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने जब स्कूल में एडमिशन करवाना है आपका, फिर उन्होंने वहाँ पर आपका टेस्ट लेना है इन सारे चीज़ों का जो भी आपकी बुक्स के ऊपर दिया गया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं बेटा।